subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्होंने भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, सो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा 10 बड़ी बदलाव, क्या है वो बदलाव। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या आपको फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। सो चलिए हम लोग प्रत्येक न्यूज को बारी बारी से देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा बिहार बोर्ड में 10 बड़ी बदलाव की गई है। क्या है ये बदलाव, सो हम लोग चलिए जानते हैं। पहला जो बदलाव है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। क्या परीक्षा पैटर्न में बदला गया, तो देखते हैं यहाँ पे। इस वर्ष परीक्षा पैटर्न अगले वर्ष की भांति ही रहेगा। परीक्षा दो चरणों में लिया जाएगा। प्रथम पाली 9:30 से प्रारंभ होगी, दूसरी पाली 1:45 से शुरू होगा। परंतु इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 60 हो गई, जिसमें से 50 प्रश्न अनिवार्य होगा। प्रायः 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। बस इसमें परीक्षा पैटर्न में जो है सेम टाइप के पहले वर्ष से इस बार की जो परीक्षा पैटर्न है, थोड़ा इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या बढ़ा दी गई है। चलिए नेक्स्ट बदलाव देखते हैं। दूसरा भी बदलाव यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैट्रिक इंटर परीक्षा तिथि। क्या बदलाव है कि बता दें कि इस वर्ष बोर्ड ने मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा बहुत जल्दी घोषित कर दिया है। जहाँ इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से होने जा रही है, वहीं मैट्रिक की बात करें तो 17 फरवरी से। पहले जो हर बार से होते थे फरवरी के लास्ट में होते थे, फिर या फिर मार्च में हो जाते थे, बट इस बार फरवरी 3 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगले साल के मुताबिक, हर साल के वर्ष के मुताबिक इस वर्ष जो है परीक्षा काफ़ी जल्दी ही लेने वाला है बिहार बोर्ड ने। चलिए अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और अगला न्यूज यहाँ पे देख पाएंगे, प्रश्न पत्र में किया गया बदलाव। जैसे कि आप लोग ऊपर में देख पाए हैं पेज, इसलिए इसको न्यूज़ को हम लोग पूरे डिटेल के साथ जान लेते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। आपको बता दें कि इस वर्ष बिहार बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या में वृद्धि कर दी है। जहां 50% की जगह 60% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें केवल 50% प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य होगा। वहीं पर लघु उत्तीर्ण एवं दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न की बात करें तो 100 अंक वाले विषय में 28 लघु उत्तीर्ण प्रश्न पूछा जाएगा और 8 दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न जाएगा। जो भी 100 मार्क्स के विषय है उसमें जो है आपको 28 जो है लघु उत्तीर्ण प्रश्न जाएगा, जिसमें से केवल और केवल आपको 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। 28 में से 15 का देना होगा। और जो यहाँ पे दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न पूछेगा 100 का, तो वो पूछेगा 8, और इस 8 में से आपको 4 का देना उत्तर अनिवार्य होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग 70 मार्क्स वाले विषय की बात करेंगे, 70 वाले विषय में आपको दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न पूछा जाएगा 6 और लघु उत्तीर्ण प्रश्न पूछा जाएगा 18। इन 18 में से आपको केवल 10 का उत्तर देना अनिवार्य होगा और यहाँ पे 6 में से आपको केवल 3 का उत्तर देना अनिवार्य होगा। सो यहाँ आपके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है, जहाँ पे आपको इतने सारे क्वेश्चन देते हैं जिसमें से आपको सिर्फ आधे क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी आसानी छूट मिले, जो कि 60% में आपको 50% ही जवाब देना है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। चलिए अगला न्यूज चित्र बढ़ते हैं। अगला न्यूज चौथा नंबर देख पा रहे हैं कि छात्रों की कॉपी में रहेगी उसकी तस्वीर। बिहार बोर्ड द्वारा बताया जा रहा है कि इस वर्ष परीक्षा प्रत्येक छात्र छात्राओं की अलग अलग कॉपी होगी, जिसमें उन छात्र छात्राओं की तस्वीर भी लगी होगी। चलिए उसके अगला न्यूज देख पा रहे हैं, न्यूज है कि परीक्षा केंद्र पर भेजी जाएगी 10% कॉपी अधिक। जान लेते क्या है इसके बारे में। तो ये देख पा रहे बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने की माने बताया गया कि सभी परीक्षा केंद्र में 10% अलग से बिना प्रिंटेड कॉपी भेजी जाएगी, ताकि जिस किसी भी विद्यार्थी के नाम, रोल, जन्म तिथि या पंजीयन संख्या में किसी तरह की त्रुटि हो तो उन विद्यार्थियों के लिए उन कॉपी को इस्तेमाल में लिया जाए। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर 100 कॉपी भेजी जाती तो उसमें 10 कॉपी प्लस एक्स्ट्रा में भेजी जाएगी, जिसमें से अगर किसी भी विद्यार्थी के नाम या फिर किसी तरह की गलतियां हो तो उसको यहां से एक कॉपी निकाल के देगी, ताकि वो अपने से खुद से वहां पे भर ले। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए। अगर किसी का मतलब गलत हो जाता है, किसी तरह के कुछ होता है, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको कॉपी एक्स्ट्रा में दिया जाएगा। चलिए अगला न्यूज़ है, देख पा रहे होंगे कि परीक्षार्थी अब ले पाएंगे ओमर और उत्तर पुस्तिका। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको कि बिहार बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया, अगर जिन विद्यार्थियों को किसी भी विषय के ओमर या उत्तर पुस्तिका लेना हो तो उन्हें आसानी से उपलब्ध करा दी जाएगी। जिनके लिए उन विद्यार्थियों को ओमर के लिए 100 रुपये तथा वहीं पे हम उत्तर पुस्तिका की बात करें तो वहाँ पे 500 रुपये, यानी टोटल अगर दोनों ले आया जाएगा तो वहाँ पे 600 रुपये आपको पे करने होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग कोई भी शंका है, किसी चीज़ में शक है कि मुझे इतना मार्क्स नहीं आ सकता है, तो आप लोग कॉपी लेकर के उसको दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कितना मार्क्स मिला है। चलिए अगला न्यूज़ देख पा रहे हैं, न्यूज़ की परीक्षा निम्न मतलब परीक्षा नियम में बदलाव। क्या बदलाव किया गया है,
तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त रहेगी। परीक्षा होगी, आपको बता दें कि इस बार परीक्षार्थी को दो बार जांच की जाएगी, ठीक है। फिर साथ ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित शिक्षकों की भी कड़ी जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पहले से ही उसे उपस्थित हो जाना है। परीक्षा एग्जाम्पल के तौर पर परीक्षा अगर 9:45 को शुरू हो रही तो आपको 9:35 को ही पहुँच जाना है। अगर परीक्षा 9:30 से हो रही है तो आपको 9:15 को ही पहुंच जाना है। सो यहाँ पे आपको परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही आपको प्रवेश कर जाना है, अन्यथा विलंब होने के कारण आपकी परीक्षा रद्द की जा सकती है। चलिए अगला न्यूज़ जो निकल कर देख पा रहे होंगे, व्हाइटनर का इस्तेमाल से रिजल्ट पेंडिंग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कोई भी विद्यार्थी अपने कॉपी पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हाइटनर मतलब सफ़ेद जो कलम होता है जिसको मिटाने में काम आता है, किसी भी जो पेन का इंक होता है उसको मिटा करके वो सफ़ेद बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं व्हाइटनर। तो व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं उसका, जैसे मान लो गोला इसको भर दिया गलती से और दूसरा हम इसको मिटा करके दूसरा गोला में लिखना है, तो अगर यहाँ पर व्हाइटनर आप लोग चलाते हैं सो यहाँ पर क्या होगा कि उसका परिणाम लंबित कर जाएगा, यानी पेंडिंग में डाल जाएगा, उसका चेक नहीं किया जाएगा। इसका जिम्मेदार छात्र स्वयं होंगे, तो ये आप लोग को ऐसी गलती नहीं करना है। चलिए अगला देख पा रहे हैं न्यूज की, परीक्षार्थी के कॉपी में पहले से ही नाम, रोल नंबर तथा रोल कोड अंकित रहेगा। तो देखिए देख पा रहे हैं पिछले वर्ष ही आनंद किशोर ने यह घोषणा कर दिया है कि अब सभी विद्यार्थियों के कॉपी में पहले से ही उसके नाम, रोल नंबर तथा रोल कोड अंकित रहेगा, जिससे कि किसी भी छात्र को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल ऐसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कॉपी को भरने में गलतियाँ कर देते हैं और उसका परिणाम लंबित कर दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं कि सभी के कॉपी में पहले से ही नाम और क्या कहते हैं रोल नंबर, रोल कोड, ये सब चीज़ दर्ज किया रहेगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट भरने में किसी तरह की गलतियां न कर सके और उसका टाइम भी बचे। चलिए अगला देख पा रहे न्यूज जो कि 10वां न्यूज है कि अब नहीं की जाएगी मार्क्स में कटौती। तो ये क्या है कि सभी विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी सबसे खुशी की बात यह है कि अब आधा या थोड़ा उत्तर देने पर भी उसे अंक दिया जाएगा। बस क्या है कि आपको इस वर्ष आनंद किशोर ने यह घोषणा की थी कि अब आधा उत्तर लिखने वाले विद्यार्थियों को भी उसके उत्तर के अनुसार अंक दिया जाएगा। मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से अगर 3-4 लाइन लिखा है तो उसको यहाँ पे उसी उत्तर के हिसाब से उसको 2 या फिर 1 मार्क्स मिल जाएगा लिखने के हिसाब से। पहले होता था क्या कि अगर पूरा मार्क्स नहीं लिखता था या फिर 3-4 लाइन लिखता था तो उसको 0 मार्क्स दिया जाता था, लेकिन अब जो है जितना लिखने पर उसको उतना मार्क्स मिल जाएगा। तो ये काफ़ी आप लोगों की खुशखबरी बात है। सो यहाँ पे हम लोग जो 10 न्यूज थे हम लोग कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों एक बार शेयर कर दिए ताकि सबको ये न्यूज फैल जाए। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।